हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की कि एक इलेक्ट्रिक सेल, उसका ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब क्या थे, इनमें क्या रिलेशन थे। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि सेलों का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, क्या रिज़ल्ट हैं उनके। लेकिन उससे पहले सारे वीडियोस आपको टाइम से मिलें इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेलों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात तो बाद की है, सेलों का कॉम्बिनेशन करते हैं क्यों, उनका संयोजन क्यों करते हैं। सेलों का एक अकेला सेल, मैंने आपसे बोला कि सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये एक इलेक्ट्रिकल सेल को दिखाता है, इसका ईएमएफ ई से इंडिकेट करते हैं और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाता है, आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन एक अकेला सेल, जब एक सेल होता है अकेला छोटा सेल जो है, उससे कभी भी इफ़ेक्टिव करंट फ्लो नहीं हो सकती है। और करंट इफ़ेक्टिव करने के लिए, मैक्सिमम करंट इफ़ेक्ट पॉसिबल करने के लिए, मैक्सिमम इफ़ेक्टिव करंट रखने के लिए दो या दो से ज़्यादा सेलों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। और सेलों के कॉम्बिनेशन से जो डिवाइस बनती है उसको हम बैटरी बोलते हैं। जैसे कि एक सेल है, यहाँ दो सेल डिवाइस आपने कनेक्ट कर दिए हैं, तो इससे जो डिवाइस बनी वो बैटरी है। लेकिन अब बात ये आती है कि जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो सीरीज़ में करें या कॉम्बिनेशन पैरेलल में करें। ये इसलिए करते हैं कि करंट जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसका उसकी जो प्रबलता है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम रखनी है। अब मैक्सिमम करंट जो अपने को रखनी है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो बैटरी है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इनसे मिलके जो बैटरी बनेगी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर से जो आपने रेजिस्टेंस जोड़ा है, उनका रिलेटिव वैल्यूज़ क्या हैं, तो इससे हम डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड करने के बाद उनका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ दिखा रखे हमने पास दो सेल हैं, पहला ईएमएफ उसका E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का इंटरनल आपके पास रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E2। इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया। सीरीज़ में कनेक्ट करने का एक ही तरीका है आपके पास, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, एक दोनों सेलों के बिटवीन अपोजिट पोलैरिटी वाले, विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल कनेक्ट हों। इसको बाहर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आंतरिक आपके पास जो बाह्य प्रतिरोध R से इनको कनेक्ट कर दिया है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण सर्किट में आई करंट फ्लो रहा है। अब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सीरीज़ में है, ये दोनों मिलकर के एक बैटरी बना रहे हैं। जो बैटरी बन रही है उसका तुल्य, उसका इक्वलेंट ईएमएफ क्या है, दोनों से मिलकर जो संयोजन बना, जो बैटरी बनी, उसका इक्वलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होगा वो निकालना है। जो नई बैटरी बनेगी उसका इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या है वो निकालना है अपने को। तो देखिए यहाँ इनके बिटवीन, मतलब ए और बी के बीच ये दोनों सेल जुड़े हैं, इनके बिटवीन टोटल वोल्टता कितनी होगी इसकी टर्म, क्यों करंट फ्लो है, तो ई तो मिलेगा नहीं, कुछ कम मिलेगा क्योंकि ये खा जाएगा। यहाँ ई टू नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा क्योंकि ये खा जाएगा। इनके बीच में जो टोटल वोल्टेज है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो विभवांतर है, वो भाई उनके कारण जा रही धारा, तो वो इसके सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा, इसके सिरों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वलेंट होगा। तो यहाँ ए और बी के बिटवीन टोटल पोटेंशियल, इसकी टर्मिनल वोल्टता E1 माइनस IR1, इसकी टर्मिनल वोल्टता प्लस E2 माइनस IR2, ये होगा ठीक है। और यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V=IR, तो इसके बिटवीन भाई इसके सिरे, ये ए और बी इसी के तो सिरे हैं, यहाँ वोल्टता निकालें या बोलें कि हम इन दोनों के बिटवीन निकालें, तो इसकी जो वोल्टता आई वो इसी के इक्वलेंट होगी। इसलिए इसके सिरों के बिटवीन जो पोटेंशियल है वो इनके बिटवीन जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके इक्वलेंट। तो इसमें क्या है IR, तो इसको वैल्यूज आपने रख दिए हैं, यहाँ से I के स्टेप एक तरफ कर लिए हैं, R+r1+r2, ये E1+E2, तो इक्वलेंट आपके पास जो सर्किट में करंट फ्लो रहा है वो E1+E2 ओवर R+r1+r2। मतलब इस तार में, इस रेजिस्टेंस में ये बैटरी करंट फ्लो कर रही है। अब बैटरी फ्लो कर रही है तो इस बैटरी का ईएमएफ क्या है, उसको ये है ईएमएफ, इसलिए इसको अभी रिप्लेस कर रहे हैं E0 से। ये जो बैटरी बनी उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R0 से, तो
E0 की वैल्यू जब दो सेल सीरीज में कनेक्ट हैं उनसे मिलकर जो बैटरी बनी उसका इक्वलेंट EMF E0 बैटरी का जो बन रहा है, यानी कि ये मिलकर के जो बैटरी बनेगी, एक तरीके से यहां से हम ये जो सर्किट कन्वर्ट होगा, ये सर्किट बन जाएगा आपके पास, ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से ये बैटरी बन गई। ये बन गया आपके पास, ये हो गया E0, ये हो गया R0, करंट वही I फ्लो हो रही है और ये R। अब E0 का वैल्यू क्या आया सीरीज में जब दो सेल थे तो E0 आया E1 प्लस E2, यानी कि E0 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। दो सेल जब सीरीज में कनेक्ट हैं इस तरीके से माइनस से प्लस, एक का माइनस दूसरे के प्लस से, तो जो बैटरी बनेगी जो इनका मिल करके इक्वलेंट जो आएगा उसकी वैल्यू दोनों बैटरियों के, दोनों सेलों के EMF के, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय एलजेब्रिक सम के बराबर होगा। जो मिलकर के बैटरी बनेगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0, ये आ गया E1 प्लस E2 और ये आ गया R1 प्लस R2। सबको पता है दोनों सीरीज में हैं और सीरीज में रेजिस्टेंस का आंसर आपको आता है, एलजेब्रिक सम होता है, तो R0 का वैल्यू आ गया R1 प्लस R2। अगर हम बात करें क्या कि दो से ज़्यादा तीन, तीन से ज़्यादा चार या n सेल कनेक्ट हो तो यहाँ क्या आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड प्लस ऑन EN, ये रहा नीचे क्या आएगा R एज इट इज़ R1 प्लस R2 एंड प्लस ऑन RN, ये होगा। अगर हम बोलें कि n सेल सीरीज में कनेक्ट हैं सबके EMF एक जैसे हैं तो क्या आएगा E0 आएगा E प्लस E n टाइम्स, यानी कि n ही। R0 क्या आएगा n इंटू R, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यानी कि करंट एन ई ओवर आर प्लस एन आर, चाहे तो हम एन से डिवाइड कर सकते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अंश व्यवहार में, तो ई ओवर आर बट ओवर एन प्लस आर। अब एक और प्रॉब्लम, सेलों का हम चेंज कर सकते हैं, ये जो दो सेल कनेक्ट हैं वो ऐसे ना कनेक्ट होकर के ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये E1 R1 E2 R2 ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब करंट फ्लो क्या होगा यहाँ पर, जब ऐसे का आपके पास होता है तो करंट फ्लो इनमें से किसी एक के कारण, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस, इसका प्लस से माइनस बोलता है करंट इधर फ्लो और इसका प्लस से माइनस बोलता है इधर फ्लो, जब ऐसे जब आपके पास जब कनेक्ट होंगे सेल तो इन दोनों में से एक सेल इफेक्टिव होगा, और जब एक अकेला सेल इफेक्टिव होगा तो वहाँ पर E0 की वैल्यू जो आएगी वो E0 का वैल्यू होगा E1 माइनस E2, या फिर E0 का वैल्यू होगा E2 माइनस E1। ये किस पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका है, E1 बड़ा होगा तो ये आंसर आएगा और E2 बड़ा होगा तो ये आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ सिर्फ E0 का वैल्यू, R0 का वैल्यू सेम रहने वाला है R1 प्लस R2। अगर ये कंडीशन है E1 का वैल्यू बड़ा है E2 से, यहां ये बड़ा है तो करंट फ्लो होगा ये, और हम बोलें कि E2 बड़ा है तो फिर करंट फ्लो का डायरेक्शन होगा इस सेल के कारण, ये यहां इतना चेंज होगा। अब लेकिन इस चेंज से और भी कुछ आपके पास आने वाला है। अब यहां जब ऐसा हो जाएगा E0 का वैल्यू आपके पास आ गया E1 माइनस E2, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इफेक्टिव ये सेल है, E1 इज ग्रेटर देन E2। जब ये कंडीशन आएगी तो अभी तक टर्मिनल वोल्टेज मैंने सिखाया E माइनस IR होता है, लेकिन ये कब, जब वो सेल इफेक्टिव होता है वो करंट फ्लो करता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ ये सेल करंट दे रहा है तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो होगी E1 माइनस IR1। जो सेल करंट देता है वहाँ टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमेशा माइनस आएगा, लेकिन ये नहीं दे रहा, अब ये सेल पूरा बचा के चल रहा है, ये खा और रहा है, यानी कि इसकी जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो होगी E2 प्लस IR2। ये और ध्यान रखना है, मेथड सीखा हमने वो पूरा, हमने ये लेके सीखा, लेकिन कंडीशन ऐसी भी हो सकती है
ठीक है, और अगर उल्टा होता तो यहाँ आता प्लस और यहाँ आता माइनस, मतलब जो सेल करंट देता है वहाँ टर्मिनल वोल्टता हमेशा ई माइनस आई आर होगी, और जो सेल लेता है वहाँ टर्मिनल वोल्टता हमेशा ई प्लस आई आर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में हमने सीखा कि जब सेल सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो इक्वलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल, इक्वलेंट ईएमएफ, जितने भी सेल हैं उन सब के ईएमएफ के एलजेब्रिक सम के बराबर होगा अगर सारे करंट फ्लो कर रहे हैं, ये कंडीशन है। तो और दो सेल हैं उनमें से एक इफेक्टिव है तो होगा ई वन माइनस ई टू या फिर ई टू माइनस ई वन, ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है उस पर। ध्यान रहे जब दो सेल लगे हैं एक इफेक्टिव है तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो इफेक्टिव है, तो उसके लिए टर्मिनल वोल्टा हमेशा ई माइनस आई आर होगा, और जो सेल करंट लेगा वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर होगा। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल कनेक्ट है, दो सेल दिखाए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दिखा रखा है। मैं बोल चुका हूँ पैरेलल का कम आपके पास मेथड पहले, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पर, सबके नेगेटिव टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट पर। अब क्या है यहाँ, इसके साथ एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया आर, ये और ये दोनों इफेक्टिव हैं, इसके कारण करंट आ रहा है I1, इसके कारण आ रहा है आई टू, यहाँ मिल करके दोनों मिक्स होंगे तो I का वैल्यू होगा आपके पास I1 प्लस आई टू। पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स आप समझते हैं कि पैरेलल में करंट हमेशा अलग होती है और पोटेंशियल सेम, तो करंट दोनों में अलग दिखाया है, लेकिन ये करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वलेंट होगी, इसकी टर्मिनल वोल्टेज, ये दोनों इनके दोनों के तीनों के लिए पोटेंशियल कैसा चलेगा सेम, तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज इसके वोल्टेज के इक्वलेंट और इसकी टर्मिनल वोल्टेज वो इसके वोल्टेज के इक्वलेंट। तो पहले इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ई वन माइनस आई आर वन, आई वन आर वन, इसका आपके पास लेकिन वी का वैल्यू है इसके इक्वलेंट ही है, वी का वैल्यू ओम्स लॉ से आई आर, ई वन माइनस आई आर वन। अब इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा दूसरे सेल के लिए चलें, तो वो भी आई आर के इक्वलेंट, आई आर इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू। लेकिन अभी हमने बोला कि आई का वैल्यू ये और ये करंट मिक्स होकर के आई बना रहे हैं, इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, इस पाइप से फ्लो हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो टोटल पानी इसके और इसके एलजेब्रिक सम, तो आई का वैल्यू आई वन प्लस आई टू होगा, यहाँ रख दें, तो यहाँ आई का वैल्यू डाला आई वन प्लस आई टू, तो आई वन आर प्लस आई टू आर, ई वन माइनस आई वन आर वन, आई का स्टेप इधर तो आई वन का स्टेप आएगा, दोनों में आई वन कॉमन, आर प्लस आर वन प्लस आई टू आर इज इक्वल्स टू ई वन। अब वैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में आई का वैल्यू डालें सेकंड में, तो ये क्या होगा, आई वन आर प्लस आई टू आर इज इक्वल्स टू ई टू माइनस आई टू आर टू, तो आई टू का स्टेप इधर लाएंगे तो आई वन आर एज इट इज, आई टू इन दोनों में कॉमन, आर प्लस आर टू इज इक्वल्स टू ई टू। अब दो इक्वेशन बन गए हमारे पास आई वन और आई टू के, क्योंकि मैंने बोला कि इन दोनों सेलों से मिलके एक सेल बन रहा है, एक बैटरी बन रही है, उसका इक्वलेंट निकालना है अपने को। पैरेलल है, पैरेलल में रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं लेकिन ईएमएफ नहीं जानते, उसको कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब दो इक्वेशन बन गए हमारे पास आई वन आई टू के फॉर्म में, जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं आपके पास वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। अब देखते हैं, चलते हैं आगे चलते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं। आगे उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, चलते हैं। इक्वेशंस ये थे हमारे पास, आई वन आर प्लस स्मॉल आर वन प्लस आई टू आर इज इक्वल्स टू ई वन, दूसरा इक्वेशन था आई वन आर प्लस आई टू आर प्लस आर टू ई टू। अब मैंने क्या बोला, हमको आई वन आई टू के वैल्यूज़ निकाल, तब हमारे पास आई निकलेगा और आई निकलेगा उसके बाद ही डिसाइड होगा इन दो सेलों के मिलने से जो बैटरी बनी है उसका इक्वलेंट ई एम एफ, उसका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या, उसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, या तो आई वन के आपके पास में जो फैक्टर्स हैं वो सेम कर दें या आई टू के कर दें, जिससे कि उनको हम हटा सकें। तो हम आई वन के फैक्टर सेम कर रहे हैं, इसको आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को आर प्लस आर वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सॉल्व करने पर ये आ गया आपके पास आई वन आर इंटू आर प्लस आर वन प्लस आई टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वन आर, और ये आ गया आई वन आर इंटू आर प्लस आर वन प्लस आई टू आर प्लस आर टू एज इट इज आर प्लस आर वन इज इक्वल्स टू ई टू आर प्लस आर वन। ठीक है, ये आपके पास सेम आ गए,
लेकिन साइन जैसे हैं इसलिए इस इक्वेशन में से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये फैक्टर सेम कैंसल, आई टू कॉमन दोनों में, ये आर स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़, यहाँ ई वन आर एज इट इज़ माइनस ये एज इट इज़ ई टू आर प्लस आर वन, इसमें से इसको सॉल्व कर दिया है, माइनस से सारे मल्टीप्लाई कर दिए सब नेगेटिव, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ ई वन आर माइनस ई टू आर माइनस ई टू आर वन ये कैंसिल, बाकी सब में नेगेटिव सिंबल कॉमन बाहर आ गया, इन दोनों में आर यहाँ आर कॉमन ये कैंसिल हो गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आर कॉमन आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू, यहाँ ई वन आर और ई टू आर में आर कॉमन ई वन माइनस ई टू इंटू आर और माइनस ई टू आर वन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने तो इससे डिवाइड कर दिया ये एज इट इज़, अब माइनस इधर ले जा रहे हैं, माइनस जब इधर लेके जाएंगे तो अभी ई वन माइनस ई टू है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये होगा ई टू माइनस ई वन आर और प्लस ई टू आर वन ओवर ये एज इट इज़, ये आया आपके पास आई टू का वैल्यू। अब मेथड आपके पास आता है आई टू का वैल्यू यहाँ रखें सॉल्व करें, उससे अच्छा सिंपल सा एक मेथड आई टू का वैल्यू में, आई टू जो करंट है वो सेल ई टू के कारण है, ई टू इफेक्टिव है, आई वन करंट ई वन के कारण है, ई वन इफेक्टिव, मतलब इस फॉर्मूले में टू वाले फॉर्मूले में टू को वन से और वन को टू से रिप्लेस कर दें, तो इसी से निकाल रहे हैं आई वन यहाँ जाएगा टू वन, तो यहाँ वन टू आर एज इट इज़ टू वन, तो यहाँ वन टू और बाकी नीचे वन टू से रिप्लेस करोगे तो भी ये आर वन प्लस आर टू ही रहेगा और ये आर वन आर टू ही रहेगा, तो ये आपके पास आई वन का वैल्यू, आई का वैल्यू है आपके पास आई वन प्लस आई टू, दोनों वैल्यूज रख दिए हैं ठीक है, दोनों में नीचे वाला फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ देखें यहाँ है ई वन माइनस ई टू आर और यहाँ है ई टू माइनस ई वन आर, ये कैंसल, ये एज इट इज़ ये एज इट इज़, नीचे वाला फैक्टर एज इट इज़। अब बात आती है कि ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस से हम इसको सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आपके पास इक्वलेंट आता है आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, स्मॉल आर के फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ स्मॉल आर वन आर टू है, यहाँ आर वन आर टू है, ये कब बनेगा इक्वलेंट, जब नीचे आर वन प्लस आर टू आए, तो यहाँ है इसको और इसको दोनों को अप और डाउन साइड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आर वन प्लस आर टू से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ कैंसल, नीचे इसके साथ ये आ जाएगा, तो ये आपके पास करंट बन गया और वो फॉर्मूला तैयार होगा जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये बन गया आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ तुल्य विद्युत वाहक बल, और ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन जब दो सेलों से मिलकर जो बैटरी बनेगी उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है, यानी कि ये सेल ऐसे लाइक इसके लाइक बिहेव ना करके इसके लाइक बिहेव करेगा, इसका ईएमएफ होगा ई जीरो और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर जीरो, ई जीरो का वैल्यू आपके पास ये है लिख दिया हमने, ये तुल्य विद्युत वाहक बल है, तुल्य विद्युत वाहक बल या फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलते हैं, किसके इक्विवेलेंट है ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू, और दो जब सेल आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हैं तो सेलों के लिए रेजिस्टेंस तो जैसे पहले थे वही रहेगा आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू। अब ये डिसाइड करना है कि पैरेलल में जोड़ने पर ईएमएफ घटा या बढ़ा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो दो सेल कनेक्ट हुए इन दोनों के ईएमएफ और इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो देखिए ये कर दिया है, तो यहाँ से सेम है तो ई जीरो का वैल्यू ई आर प्लस ई आर ओवर आर प्लस आर टू ई आर ओवर टू आर, तो ये बना टू ई आर ओवर टू आर, टू आर से टू आर कैंसिल सिर्फ बना ई, मतलब दो सेल जिनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हैं अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो बैटरी बनेगी उसका ईएमएफ किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, मतलब दो मिलकर भी एक के लाइक काम कर रहे हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ घट जा रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी देख लें आर आर ओवर आर प्लस आर, तो ये सॉल्व करने पर आ रहा है आधा आर बाई टू, मतलब ईएमएफ दोनों में से एक का काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक के लाइक काम कर रहे हैं, घटा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया है किसी एक रेजिस्टेंस का आधा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है,
तो ये है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम चाहें तो इसके लिए आगे जा सकते हैं, हम चाहें तो इसके लिए आगे और बढ़ा सकते हैं। तीन तीन होंगे सेम के, तो भी तीन में से सिर्फ एक इफेक्टिव होगा, और रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा वहाँ पर? अगर तीन होंगे तो ई ज़ीरो का वैल्यू ई रहने वाला है और आर ज़ीरो का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, आर बाई थ्री। चार होंगे तो ई ज़ीरो ई रहने वाला है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई फोर। मतलब तीन, चार, पाँच या दस या एन, कितने भी आपके पास सेल पैरेलल में कनेक्ट करें, जो इक्वलेंट ईएमएफ होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किसी एक सेल का उतना ही टाइम्स होता चला जाएगा। दो है तो 1/2, तीन है तो 1/3 और एन है तो आर बाई एन। तो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सेलों के, आगे इनके न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेकिन सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलें इसलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।